इस प्रकार हमारा यह सत्र प्रारंभ हो रहा है। हालांकि इसमें विषय प्रवर्तन का कोई विशेष जो है इसमें कालम नहीं बनाया गया है, फिर भी मैं प्रोफेसर टी मोहन सिंह जी से चाहूंगा कि हमारे बीच बड़े बुजुर्ग हैं, वो आकर दो शब्द कहें और उसके बाद विषय हमारा जो है हिंदी साहित्य के मुस्लिम लेखक गंगा जमुनी तहजीब, इस विषय पर महोदय से चाहूंगा कि बस दो ही शब्द कह दें, हम उनका आशीर्वाद समझ के इसे स्वीकार कर लेंगे। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी की ओर आए और जितने हिंदी के लेखक हैं उतने उर्दू के हैं, और कहा जाए तो उर्दू के ज़्यादा हैं हिंदी के कम हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये है, इसके साथ साथ कई ऐसे लेखक हैं और यानी उन लेखकों के बारे में आपको विचार करना है। मुख्यतः इन्होंने हिंदी मुस्लिम जनजीवन को लेकर के लिखा है। मुस्लिम जनजीवन को लेकर के लिखना यानी आंध्र प्रदेश में भी यानी एक लेखक हैं, और फिर जो है उसके साथ साथ हम जब देखें तो राही मासूम रजा का नाम सबसे पहले आता है। डॉक्टर राही मासूम रजा ने जितने भी उपन्यास लिखा सब मुस्लिम जनजीवन पर हैं, और आप जानते हैं कि उनका आधा गांव जो है वो जो है हम देखते हैं कि मुस्लिम जनजीवन से है, और आधा गांव में यानी एक गांव में जो आधे हिस्से में जो मुसलमान हैं उनके जीवन को लेकर के, उनकी विचारधारा को लेकर के इन्होंने लिखा, मुहर्रम को केंद्र में रखा। वस्तुतः हैदराबाद राज्य में मुहर्रम का बहुत महत्व था, क्योंकि इस समय यहाँ निज़ाम का शासन था। अब तेलंगाना में मुहर्रम का उतना ही महत्व है जितना महत्व मुस्लिम यानी शासित प्रांतों में है, क्योंकि गंगा जामुनी जो तहजीब की बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों की तहजीब जो है, जो संस्कृति का मिलन ही ये है। उदाहरण के लिए गाँव में जब देखते हैं कि मुहर्रम मनाया जाता तो हिंदू उतने ही प्रेम से भाग लेते हैं जितने कि मुसलमान, और ताजिए हिंदुओं के घर को भी आते हैं, और फिर जो है इस तरह से मिलजुल करके काम किया जाता है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ जो पत्र वाचक हैं वो लोग इस ओर ध्यान दें और अपने पत्र के विशेष बातों को वो पढ़ करके सुना सकते हैं या यानी बोल सकते हैं, यानी छूट उनको है, लेकिन जो समय दिया गया है वो समय के अंतर्गत होना चाहिए। बाबा समय कितना दे रहे हैं? पाँच मिनट आपका समय है, पाँच मिनट, और इसलिए आप यानी मौखिक पत्र प्रस्तुत करें या लिखित प्रस्तुत करें वो आपकी इच्छा है। धन्यवाद। समय की किल्लत भी है, हालांकि 10 से 15 मिनट का समय जो है हमारा जो जो सूचना जो प्रकाशित की गई थी उसमें 10 से 15 मिनट का समय लिखा गया था, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा समय जो है नहीं मिल पा रहा है, उसका अभाव है, और इस सत्र को भी हमें 1:30 पर ख़त्म करना है, जबकि इस समय 1:05 हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सत्र और आगे भी बढ़ेगा। तो मैं बारी बारी से जो हमारे यहाँ महानुभाव बैठे हुए उनका नाम लेता जाऊँगा और वह आकर के अपना पत्र वाचन करेंगे। इसमें मुख्य जो विषय है वह यह है, हमने जो दिया था अपने सूचना के लिए जो दिया था उसमें हमने लिखा था, प्रेम मार्गी शाखा के कवि रसखान और रहीम तीन पर जो है शोध पत्र जो है उसको बना करके यहाँ प्रपत्र वाचन करना था। तो इन्हीं इस सत्र में इसी जो है विषय से संबंधित शोध प्रपत्रों का वाचन होगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सुभाष कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, वह आए और अपना शोध पत्र वाचन करें। अध्यक्ष महोदय को नमस्कार और सभा में उपस्थित सभी जनों का हमारा नमस्कार सलाम। मैं डॉक्टर सुभाष कुमार शर्मा, रिसर्च सेंटर इमारत DRDO की संस्था है, मैं उसमें वरिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में हूँ, हैदराबाद में कार्यरत हूँ। हमारा टॉपिक है प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा। यूँ तो हमारे देश में सदियों से परंपरा रही है गंगा जमुनी तहजीब, हिंदी और उर्दू की सभी विरासत ने ही हमारे देश को आज़ाद कराया। हिंदू और उर्दू की बात ले तो दोनों भाषाएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, भाषाएं हमें जोड़ती है और एक दूसरे से मेल कराती है, दोनों की साझी विरासत है। हिंदी में अनेक मुसलमान लेखक हैं तो उर्दू में भी कई हिंदी में अनेक मुसलमान लेखक हैं तो उर्दू में लिखे मुसलमान हिंदी में लिखे, यही साझी विरासत है। दोनों अपने अपने स्थान पर सकारात्मक हों, इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए यहाँ सूफी काव्य व प्रेम मार्गी शाखा पर चर्चा करना समीचीन होगा। किस तरह प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने अपने लेखनी के माध्यम से हिंदू मुसलमान एकता को बरकरार रखने में अपनी अहम योगदान दी, तो इस
प्रेम मार्ग की सुखी काव्य धारा में इनकी बहुत सारे विशेषताएं हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनकी विशेषताओं पे सीधे आता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे सूफी कवियों का हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, जिस कार्य को संत कवि अपने स्वभाव की अखड़ता के कारण पूरा ना कर सके उसे प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने अपनी प्रकृति की कोमलता से संपन्न किया। प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने हिंदू घरों के प्रचलित कहानियों को लिया और उनके द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की। इन्होंने परम ब्रह्म को प्रेम के द्वारा गम्य बताया और यह प्रेम साधना हिंदू मुसलमान दोनों को मान्य थी। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की विशेषता और भी है कि इनकी समष्टि भावना थी, इसलिए इनके प्रेम काव्यों में लोक जीवन का चित्रण मिलता है। इन कवियों ने जन सामान्य को अंधविश्वासों, यंत्र तंत्र प्रयोगों, जादू टोनों, डायनों की करतूतों, विभिन्न उत्सवों, लोक व्यवहारों, तीर्थ व्रतों, सांस्कृतिक वातावरण आदि को बड़ी ही तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है। और अंत में जो इस संगोष्ठी का हमारा मकसद है, जिसलिए हम यहाँ आए हैं, दोनों धर्म की एकता को दर्शाना है। और कुछ पंक्तियों के साथ मैं उजागर करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ना हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना पैगंबर बने, ना भगवान बने, आओ हक अदा करें नमाज का और गीता का ज्ञान बने, छोड़ो मजहब और धर्म की बातें, ए दीवानों आओ मिलकर इंसान बने। धन्यवाद। समस्त विद्वान विदुषियों उपस्थित सज्जनों देवियों, मैं डॉक्टर राजनारायण अवस्थी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, हैदराबाद से आया हुआ हूँ। प्रेम मार्गी कवियों की आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना मेरे प्रपत्र का विषय है। मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस गंगा जमनी तहजीब के जो अमर गायक रहे मुल्ला दाऊद, जहाँ से डलमऊ ने उन्होंने चंदायन लिखा था, मेरा जन्म स्थान वही गांव है। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ उस परम विद्वान के लिए जिन्होंने चंदायन में लिखा और गंगा की स्तुति की, और संभवतः हिंदी साहित्य में बहुत कम विद्वानों ने किसी नदी को लेकर के अपना वर्णन किया हो। उन्होंने लिखा है, डलमऊ नगर बसे नवरंगा, ऊपर कोट तरे बह गंगा। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जिस प्रकार आध्यात्मिक चीज़ों को उत्पन्न किया है कि प्रेम मार्गी सूफी कवियों एवं साधकों ने हिंदू और मुसलमान समाज की सामाजिक एकता को महत्व को समझा और अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से आपसी अजनबीपन को दूर किया। इसका एक कारण था कि निस्संदेह प्रेम मार्गी कवियों से काफ़ी समय पहले कबीर आदि संत अरे इन दोन राह न पाई कहकर हिंदू मुस्लिम एकता की नींव तो डाल चुके थे, लेकिन अपनी भर्सनामयी वाणी और ज्ञान की शुष्कता के कारण इस दिशा में अधिक सफल नहीं हो सके। कबीर ने अपने निर्गुण पर प्रेम और माधुर्य का आवरण चढ़ाया तो अवश्य, किंतु उनकी वो झीनी झीनी बीनी चदरिया के समान इतना झीना था कि उसमें निर्गुण की शुष्कता छिप न सकी और कबीर के ज्ञान महल की सेज भी काफ़ी समय तक सूनी पड़ी रही। हमारा जो क्षेत्र है, जनपद रायबरेली और फतेहपुर के बीच में जो डलमऊ नगर है, मैं वहाँ पर देखता हूँ कि ज्ञान मार्गी और सूफी कवियों की बहुत ही अविरल परंपरा रही है। क्योंकि हम प्रेम मार्गी कवियों को बहुत कम समय तक लेकर के उनको हमारी जो लेखनी है, जायसी है और मंजन है, कुतबन है और मुल्ला दाऊद के पास समाप्त हो जाती है, लेकिन आज भी अगर हम प्रेम मार्गी कवियों की तुलना करें, बहुत सारे हमारे यहाँ पर अभी भी प्रेम मार्ग का इतना होता है जो सितार बजा करके गाँव वो घूमते रहते हैं और प्रेम मार्गी जो चिंतन है उसका वो संदेश देते रहते हैं। इसी उदारता का साहित्यिक रूप आगे चलकर प्रेमाख्यानक कहानियों के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत हुआ। प्रेम मार्गी कवियों की रचनाओं में समन्वय की भावना ही साहित्यिक आधार है। इन कवियों की समस्त साहित्यिक मान्यताएं तीन स्तंभों पर आधारित है और वस्तुतः प्रेम मार्गी साहित्य का उदय ही हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए प्रतिष्ठित हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महान विद्वान ने भी पद्मावत के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया था। बिरछ एक लागी दुई डारा, एक ही ते नाना पर कारा, माता के रकत पिता के बिंदु, उपने दुओ तुरक ओ हिंदू। बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में रहता है, जैसा कि आदरणीय प्रोफेसर मोहन सिंह ने जो कहा कि ताजिया हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता था,
प्रायः अक्टूबर के महीने में होता था, थोड़ी सी सर्दी होती थी और आज भी हम ताजिया की जो सजावट होती थी, उस समय हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमें ज़्यादा पता भी नहीं था कि हिंदू और मुसलमान में क्या भेद होता था, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि ताजिया की सजावट के लिए हम हिंदू बच्चे भी जाया करते थे, क्योंकि ताजिया सजाना पड़ता है, रात भर ताजिया सजाते हैं। और कुछ लोगों को शायद पता होगा, जो नौनिहाल बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, इनको शायद न पता हो कि ताजिया में एक पलंग होता है सर, और उस पलंग के नीचे से ये मान्यता है कि अगर आप कुछ कहते हुए निकल जाएं तो आपकी मान्यता पूरी होती है। वो पलंग पूरी पूरी उस जुलूस में चलता रहता था। हमारी माता एक विश्व, हमारी दादी एक विशुद्ध वैष्णव ब्राह्मण महिला थी, लेकिन हम लोगों का एक ही ड्यूटी थी कि कौन कौन बच्चा ताजिया के नीचे से कहता हुआ नहीं निकला। हम लोग उस ताजिया के नीचे से निकलते थे। हिंदू मुस्लिम की एकता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अरे हमारा ये अलार्म और ये सभी जो सुबह जगाने वाले उपकरण तो आज हो गए, लेकिन हम तो जगे ही अजान की नमाज से थे। मैं अपने गांव जाता हूं, हम सब लोग जैसे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और उस बोर्ड के एग्ज़ाम में जब 4 बजे सुबह पहली अजान की नमाज होती थी, वही हमारा अलार्म होता था, और हमने पूरी की पूरी पढ़ाई उसी नमाज से जगकर ही की है। मैं बहुत ही आभार मानता हूं उन प्रेम मार्गी कवियों का, उन नमाजियों का, कि लेकिन आज बहुत समय बदलता चला जा रहा है। जैसा कि बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ पढ़े लिखे, और ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना मुसलमानों को हिंदुओं के बारे में पता है, उतना हिंदुओं को मुसलमानों के बारे में 1% भी नहीं पता है। सभी लोग कहते हैं कि यत नारियस्थ पूजनते रमनते तत्र देवता, लेकिन कुरान ये कहती है कि जन्नत कहीं है तो माँ के कदमों के तले है। शायद इतना बड़ा संदेश भारतवर्ष में किसी धर्म ने नहीं दिया। सत्यता, ईमानदारी जो हमारे साहित्य के बहुत बड़े अंग हैं, और ये अंग से निकलते जा रहे हैं। मैं बहुत ही एक मिनट का समय लेते हुए अपना वक्त अब समाप्त करूँगा कि हमारे यहाँ प्रेम मार्गी जो कवि थे, और बहुत सारे लोग, वो कवि नहीं रहे लेकिन प्रेम मार्ग पर विश्वास रखते थे, यदि किसी के ऊपर 1,000 रुपये उधार होता था, यदि उसका अंतकाल आता था, तो अपने बच्चों को बुलाते थे और कहते थे कि 1,000 रुपये तुम मेरे सामने कबूल करो कि आप मेरे मरने के बाद 1,000 रुपये उनको वापस करो, और यदि वापस नहीं करते तो हाथ जोड़कर कहते थे कि मुझे माफ़ कर दो, अब हम जाने वाले हैं, हम आपका 1,000 रुपये नहीं दे सकते। संभवतः ऐसा किसी अन्य धर्मों में होता हो तो मैं बहुत ही इसके लिए खुशनसीब होऊंगा, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का, कि इनके ऊपर बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के समसामयिक परिप्रेक्ष्य पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे प्रपत्र का विषय है सांस्कृतिक समन्वय के प्रणेता रही। भारत अनेक संस्कृतियों की समन्वय भूमि रही। आर्य, अनार्य, द्राविड़, सक, हूण, चीन, पठान, मुगल आदि लोग अनेक कारणों से यहाँ आए और रच बस गए। रच बस जाने के कारण इनकी संस्कृतियाँ धीरे धीरे घुल मिल गई और भारत सांस्कृतिक समन्वय की भूमि बना। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि समन्वय कैसे और किसने किया। इसका उत्तर मैनेजर पांडे देते हैं कि दारा सिक्कों के माध्यम से सांस्कृतिक संगम की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसकी शुरुआत का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर ने बड़े पैमाने पर संस्कृत के महान ग्रंथों के अनुवाद का काम शुरू करवाया था। इनके इस व्याख्यान में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सांस्कृतिक संगम का कार्य मुगलों के राजत्व काल से ही प्रारंभ होता है। इसके सबसे बड़े प्रणेता अकबर रहे, जिन्होंने सांस्कृतिक समन्वय की नींव डाली। आगे इसी कड़ी का हिस्सा रहे रहीम। मैनेजर पांडे ने रहीम को सांस्कृतिक संगम के कवि के रूप में देखा है। रहीम के काव्य ने समाज को जीवन के प्रति नई दृष्टि और कर्म चेतना की प्रेरणा दी। उन्होंने हर तरह से सावधान और जागरूक किया अमीर खुसरो व रहीम ये दो ऐसे सांस्कृतिक साधक थे जिनमें सांस्कृतिक कट्टरता का लेश भी नहीं था। इन दोनों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण की नींव रखी थी। जैसे रहीमन रिस को छांडी के करो गरीबी भेस, मीठी बोलो न चलो सभे तुम्हारी देश। उपरोक्त दोहे में रहीम ने भर्तृहरि की नीति परंपरा सत्य बोलो प्रिय बोलो असत्य एवं अप्रिय सत्य कदापि न बोलो, और कबीर की ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए वाली राह को चुना है। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि क्रोध को छोड़ो, मीठी वचन बोलो,
विनम्र होकर अपने देश की चिंता करो, क्योंकि ये सारा देश ही तुम्हारा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वह हिंदू और मुस्लिम दोनों को पास लाने का काम कर रहे थे। हिंदी के प्रख्यात आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली बार रहीम के सांस्कृतिक साधक रूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। रहीम ने भारतीय सूक्ति परंपरा को अग्रसरित किया है, जो लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। पानी को लेकर उनकी उक्ति उसी सूक्ति परंपरा का हिस्सा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। हिंदी के वरिष्ठ आलोचक सत्यप्रकाश मिश्र जी ने रहीम रचनावली की भूमिका में लिखा है कि रहीम उस मध्ययुगीन सहज मानवीय दृष्टि के रचनाकार थे, जो हिंदू और मुसलमानों को इस महादेश का नागरिक मानकर देवी देवताओं के नामों और रूपों के भेदात्मक दृष्टि में एकत्व की खोज करने से विकसित हो रही थी। अतः उनका एक सीधा उत्तर यह है कि हिंदी के भक्तिकाल में रहीम की ऐतिहासिक महत्व की भूमिका को सही संदर्भों में उजागर नहीं किया गया। रहीम ने हिंदू और इस्लाम धर्म की स्थिति परिस्थिति का अतिक्रमण करते हुए देश धर्म जाति वर्ग से निरपेक्ष सेकुलर मानव के साहित्य को जीवन में महत्व और प्रतिष्ठा दी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रहीमन पर उपकार के करत नयारी बीच मांस दियो सी भी भूप ने दिन ही हार दधीच। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रहीम को अमीर खुसरो की भांति तुर्की, फारसी, अरबी और संस्कृत भाषाओं के जानकार के रूप में देखा है और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। भाषा के संबंध में मिश्र बंधु भी लिखते हैं, महाशय मतलब रहीम अरबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत के पूर्ण विद्वान थे और उनकी गुणवत्ता के कारण कवि, पंडित और पंडित आदि सदैव इनकी सभा में प्रस्तुत रहते थे। रहीम ने सांस्कृतिक सम्मिलन का अभूतपूर्ण कार्य अपने रचनाक्रम के आधार पर किया, जैसे संस्कृत, अवधी, व्रज, खड़ी बोली और फारसी का सम्मिश्रण करके उन्होंने भारतीय बहुभाषिकता के परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम मध्यकाल में समझा। रहीम कला और भाषा के बीच संतुलन साधने वाले अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे। जिन जिन क्षेत्रों में गए वहाँ की उन्होंने भाषा सीखी और उन भाषाओं में साहित्य सृजन किया। वे चाहते तो अरबी, फारसी में काव्य रचना कर सकते थे, परंतु उन्होंने ब्रज, अवधि, हिंदी और संस्कृत का चुनाव किया। इसके साथ साथ खुसरो की तरह नए प्रयोग किए, आधी पंक्ति संस्कृत में और आधी खड़ी बोली में। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि रहीम ने हिंदू मुसलमान परिप्रेक्ष्य में लोक जागरण का एक नया संदर्भ दिया है। रहीम के काव्य में काल की अनंतरता का अपार सौंदर्य, ऐतिहासिक काव्यानुभूति और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिस पर आज विचार पुनर्विचार की अपेक्षा है। रहीम की प्रासंगिकता इसलिए भी है, उनका प्रेम हिंदू मुसलमान को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। उनकी कविताओं में एक सांस्कृतिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, क्योंकि वह सभ्यता संस्कृति में उच्चतर भाव के महत्व की प्रतिष्ठा करते हैं। इसी अर्थ में रहीम का जो सृजन है आज भी हमारी मूल्यवान धरोहर है। इतना ही करके मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। जिस दिन से सेमिनार के बारे में हमारे प्रिय करण सिंह उटवाल जी ने बताया, उसी दिन से मैं शोध कार्य में लग गई कि कुछ अच्छा दे सकूँ। हालांकि स्नातकोत्तर में रसखान को पढ़ाती रही हूँ और जब मैं रसखान को क्लास में पढ़ाती हूँ उस दौरान मैं खुद ही भाव विभोर हो जाती हूँ। उनकी भक्ति, उनका समर्पण, ये सब देखने के बाद तो मैं खुद को ही भूल जाती हूँ कि ये मैं बोल रही हूँ या रसखान बोल रहे हैं। और उस वक्त बच्चे क्लास में हैं, ये इस बात का भी मुझे भान नहीं रहता कई बार। तो खैर, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम तहजीब पर बात करने आए, गंगा जमुनी तहजीब पर बात करने आए हैं। तो मैं शब्दों से शुरू करती हूँ। गंगा एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ नदी का ही प्रतीक नहीं, बल्कि गंगा एक आध्यात्मिकता का प्रतीक है। गंगा के साथ जब जमुना मिलती है तो जमुना प्रेम का प्रतीक बन जाती है। आप देखते हैं कि यमुना नदी के किनारे जितनी भी संस्कृति पनपी वो मुस्लिम संस्कृति रही है और गंगा नदी के किनारे हिंदू संस्कृति, और जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे हिंदू मुस्लिम तहजीब का एक नया ही आयाम जुड़ता है। वो एक ऐसा आयाम जुड़ता है जो इंसानियत सिखाता है, क्योंकि सिर्फ अध्यात्म ही जीवन नहीं होता। जब तक हमारे जीवन में प्रेम का प्रवेश ना हो तब तक हमारा जीवन अपूर्ण रहता है, शुष्क रहता है। जैसे आप देखते हो हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग जो है वो अपने डंडे मारने, लठ मार के आधार पर किस तरह से देशभक्ति, देशभक्ति की बात करते करते लोगों को एक तरह से शुष्क बना देता है।
उस बीच में एक ऐसा प्रवेश होता है हिंदी साहित्य में जो छायावाद कहकर आता है और वह बैलेंस संतुलन बना के चलता है हिंदी साहित्य को, वह कुछ दे जाता है जो शायद मध्यकाल में स्वर्ण युग में हमारे चार कवियों ने बहुत प्रयत्न और बड़े ही उस समय की परिस्थितियों के अनुसार देने की कोशिश की, क्योंकि मध्य युग एक ऐसा युग था कि इससे पहले जो हमारे भारत में लोग आते रहे एक तरह से उनका आना कुछ लेना जाना था। पहली बार एक ऐसी संस्कृति भारत में आई जो यहाँ लेकर जाने वाली नहीं थी, उसने तो ये तय कर लिया था कि ये हमारे रहने की जगह है, अब मैं यही डेरा जमा के बैठने वाला हूँ। वो थी हमारी मुगलकालीन संस्कृति। वो संस्कृति ऐसी थी जो यहाँ भारत में आने के बाद उसने लूटा और गया नहीं, ऐसा नहीं बने, बल्कि वो आए और यहीं की बहू बेटी बहन को अपने ही खून में अपने ही रंग में अपने ही प्रेम में रंग लिया। वो सिर्फ सत्ता के भूखे नहीं थे। रही बात जैसे जहां तक बात की जाती है कि सत्ता के लिए खून खराबा ये सब मध्य युग में हुआ, ये हमारी एक प्राचीन सत्ता एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए हमेशा से रहा है। अशोक इसके उदाहरण रहे, चंडाशोक से वो प्रियदर्शी अशोक ऐसे ही नहीं बने, वो इसीलिए बने क्योंकि सत्ता होती ही ऐसी चीज है और आज भी सत्ता हमें बांट रही है, बार बार बांट रही है और हम पूरी जनता इतने तो बुद्धिमान है कि कितना भी कोई अपने फायदे के लिए हमें बांटने की कोशिश करे हम बटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे रग रग में ये ऐसी तहजीब भरी है कि किसी के कहने से वो बदलने वाली नहीं है। पहली बार जब मैं 4 साल की थी तब किसी मुस्लिम को पहली बार मैंने जाना था, वो भी एक परंपरा विशेष के तौर पर। हमारे गांव में एक मिर्जापुर गांव की हूँ मैं, छोटे से गांव में, तो वहाँ पे एक मनिहारी नाती थी। तब ऐसा ब्यूटी पार्लर ये सब इतना धड़ल्ले से नहीं खुला था हमारे समाज में, और परंपरा के तौर पर जब तक वो मनिहारी ना कर चूड़ी न पहनाए शुभ कार्य शुरू नहीं होता था। तो वो मनिहारी नाती थी, उनका थाली बर्तन सब अलग रखा जाता था। तब मेरा मन उस उम्र में भी विद्रोह करता था कि अपनी थाली में उनको खाना क्यों नहीं दिया गया, उस वक्त डांट कर चुप करा दिया गया, लेकिन वो डांट मेरे मन में गांठ बन के आज तक रही जब मैं 37 साल की भी हो गई। वो 4 साल की बच्ची के मन का विद्रोह गंगा जमुनी तहजीब ही था जो कहीं ना कहीं उसके अंदर पनप रहा था। मैं समझती हूँ जितना भारत एक हिंदू का है, हिंदू मीन्स हिंदू के रहने वाले लोग, उतना ही एक मुस्लिम का है। जितना आप कहते हैं हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान उतना ही मुस्लिम का है, एक तिनका भी उनका कम नहीं है गंगा जमनी तहजीब की। इससे ज्यादा मिसाल हम क्या कहें कि अध्यात्म और प्रेम यहाँ मिलता है, इंसानियत यहाँ पनपती है, पूरे विश्व को वो मिलता है जो इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। बस इतनी सी बात के तौर पर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने पत्र खोल दिया तो पूरे पन्नों का है और मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी और आपको भी कुछ खास नहीं मिलेगा, इसे आप पब्लिश होने के बाद पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। पी प्रेमचंद जी को आमंत्रित करता हूं। पूज्य पिता समान श्री मोहन जी को प्रणाम और इस संगोष्ठी में आए हुए सभी विद्वत गणों को और मेरे साथियों को नमस्कार कहते हुए, मेरा नाम पी प्रेमचंद है, मैं हिंदी प्राध्यापक हूँ, श्री राजराजेश्वर शासकीय महाविद्यालय करीमनगर से आया हूँ तेलंगाना से। तो मेरा विषय है प्रेम मार्ग शाखा जयसी। भक्ति काल में राम कृष्ण तथा ज्ञान आदि वर्ण विषयों के अतिरिक्त प्रेम भी प्रतिपाद्य रहा। हिंदू तथा मुसलमान दोनों प्रकार के कवियों ने प्रेम गाथाओं की रचना की। जायसी इस शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। असायत की हंसावली हिंदी की पहली प्रेम गाथा मानी जाती है। मौलाना दाऊद कृत चंदायन, भजन कृत मधुमालिनी, जायसी कृत पद्मावत तथा कुतुबन कृत मृगावती इस काल में प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य रहे हैं। नूर मोहम्मद की इंद्रावती, उस्मान की चित्रावली तथा शेख नवी का हंस जवाहर चर्चित प्रेम गाथाएं रही है। प्रेम गाथाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, वर्ण विषय रस विचार। वर्ण विषय में
प्रेमाख्यान काव्यों का मूल वर्ण विषय प्रेम रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेम गाथाओं के प्रेम को फारसी प्रेम गाथाओं से संबंध माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हिंदी प्रेमाख्यान काव्यों के प्रेम को भारतीय प्रेम परंपरा से संबंध माना है। रस हिंदी की समस्त प्रेम गाथाएं लोक काव्य है, महाकाव्य है। इसमें श्रृंगार आंगरित होता है। विषय श्रृंगार का परंपरागत प्रयोग प्रभावी रहा है। विचार तत्व इस प्रेम गाथाओं में प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का तथा योग मार्ग का निरूपण हुआ है। इसका रचना विधान वैचारिक सरणियों को स्पष्ट करता है। आचार्य शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली में पद्मावत के प्रेम को लोभ माना है। रत्नसेन के प्रेम में पतिव्रता और एक निष्ठता मिलती है। पार्वती के द्वारा प्रेम की परीक्षा लेने पर रत्नसेन कहता है, भलो ही रूप तो ही आछरी राता, मोही दूसर सो भावू न भाता। नारी का सौंदर्य जहां पूजा और उपासना का प्रेरक हो, वहां का समाज समुन्नता तथा उदांत माना जाता है। जहां नारी सौंदर्य वासना और उपभोग को प्रोत्साहित करता हो, वहां समाज विधिरत तथा विश्रृंखलित माना जाता है। प्रेमाख्यान काव्यधारा के प्रमुख कवि मालिक मोहम्मद जैसी है। इनके अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु आखिरी कलाम अखरावट और पद्मावत इस रचनाओं को भी हिंदी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। और विविध मत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राजनाथ शर्मा जी लिखते हैं, मैं पद्मावत को मूलतः एक आध्यात्मिक परक ग्रंथ न मानकर प्रेम के वास्तविक विशुद्ध रूप का निरूपण करने वाला ग्रंथ मानता हूँ। लक्ष्मी नारायण वासनीय जी के विचार है, वास्तव में यह परंपरा भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों के सम्मिलन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। और डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक भी कहते हैं, सूफी संत काव्य परंपरा का समस्त काव्य सांस्कृतिक सामाजिक एवं साहित्यिक स्तर पर अपने पूर्ववर्ता काव्य से सर्वदा भिन्न किंतु जनमानस के अति निकट है और समाज के आडंबरों से मुक्त करने वाला है। उसका संदेश ईश्वर प्रेम के साथ मानवतावाद से भी परिपूर्ण है। गणपति चंद्रगुप्त जी कहते हैं, पद्मावत के पदों में जो रूपक है वह भारतीय निर्गुण साधना का द्योतक है, जिसमें साधक का मन रत्नसेन, शरीर सुख चितौड़ का त्याग करके गुरु के निर्देश से उपलब्ध सात्विक ज्ञान पद्मावती की सहायता से अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। गुप्त जी रामचंद्र शुक्ल जी के मतों का खंडन करते हुए कहते हैं, आचार्य शुक्ल ने जायसी के प्रतिकारियों को तोड़कर मड़ोड़कर उन्हें ऐसा रूप देने की चेष्टा की जिससे कि इस रूपक से भारतीय निर्गुण साधना की व्यंजना के स्थान पर सूफी साधना की व्यंजना को हो सके। वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, यदि लोक भाषा के मौलिक रूप से देखना हो तो पद्मावत से अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। इस रचना में आंशिक रूप से ही सही इतिहास का निर्वाह हुआ है। इस दृष्टि से भी इसकी महत्ता सिद्ध है। केवल प्रेमाख्यान काव्यधारा की दृष्टि से ही नहीं अथवा केवल भक्ति काल की दृष्टि से भी नहीं, पद्मावत संपूर्ण हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। यह रचना पर हिंदी साहित्य को नाज है। यह मौका मुझे मिला इसलिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। इमरान अंसारी साहब जो है आए और अपने विचार अभ्यक्त करें। आदरणीय विद्वज्जन एवं मेरे प्यारे मित्रों, उसकी हालत आज ठीक वैसे ही है जो हालत गंगा और जमुना का है। और ऐसे समय में ऐसे विषय पर
इस तरह का आयोजन कराना बहुत मुफीद है, आवश्यक है। मित्रों, मैं अपनी बात प्रेम मार्गी कवि इस विषय पर रखूंगा। प्रेम एक शाश्वत विषय है और अत्यंत व्यापक भी। पूरी दुनिया इस विषय पर लिखते पढ़ते चलती चली आई है, मतलब कि प्रेम एक सार्थक विषय भी है। लेकिन किसी वस्तु की सार्थकता तब समझ में आती है जब उसके मार्ग में उतनी बड़ी कठिनाई आए, और प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाई को व्यक्त करते हुए रीतिकालीन कवि बोधा कहते हैं कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार के धार पे धावन है। इतने सार्थक और शाश्वत विषय पर लिखने पढ़ने और इस मार्ग पर चलने के लिए तलवार के धार पर चलने जितना कठिन बताते हैं बोधा, ऐसा क्यों है? सवाल यह भी है कि मनुष्यता के लिए इतनी जरूरी होने के बावजूद भी यह मार्ग इतना दुर्गम क्यों है? प्रेम तो हमेशा जोड़ने का काम करता है, तो क्या पूरी दुनिया में तोड़ने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है जो इस मार्ग में तलवार बिछाए बैठे हैं? इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं, और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मीरा, कबीर, तुलसी और इस तरह के लोगों के पास हमें जाना पड़ता है। प्रेम बंधन नहीं है, स्वतंत्रता और बराबरी का भाव उसके मूल में है। होंगे कृष्ण बहुत बड़े देव, लेकिन रसखान के यहाँ तो अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, इस तरह की अभिव्यंजना प्रेम मार्ग में ही संभव है और कहीं नहीं संभव है। यूं तो प्रेम पर लिखना पढ़ना किसी समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन हिंदी साहित्य में अगर प्रेम मार्गी कहें तो इसमें सीधे सीधे जो सूफी संप्रदाय कहा जाता है वही इंगित होता है, और उसके अग्रणी कवि जायसी है। पर प्रेम मार्ग काव्यधारा की सर्वोच्च रचना पद्मावत है, और हिंदी साहित्य में ऐसा हस्ताक्षर है जो प्रेम और मनुष्यत्व को सर्वोपरि सिद्ध करता है। रचनाकार के भीतर अगर प्रेम है, मनुष्यता है, तभी वह ऐसे पहलुओं को बहुत अच्छे तरीके से रच सकता है। जायसी ईश्वर की ओर उन्मुक्त है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो उनका मार्ग है वह इस संसार, इस लोक और मानव प्रेम से होकर गुजरता है। किसी गुहावास में वो अकेले वास लेकर के नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक किसान भी थे। जायसी की नजर में कोई बड़ा छोटा और इस तरह का भेद नहीं है। पद्मावत में जब जायसी अपनी नायिका पद्मावती का जन्मोत्सव मनाते हैं तो उस जन्मोत्सव के आगे राजा रत्नसेन का जन्मोत्सव फीका पड़ जाता है। ये ठीक है कि दूध दही की नदी नहीं होती है, समुद्र नहीं होता है, नहीं होगा सिंगल द्वीप, नहीं कहीं इतिहास में नहीं दिखता है कि सिंगल द्वीप कहां था, नहीं दिखता है कि हीरे जवाहरात से जड़े हुए महल कहीं पाए गए थे या नहीं, ऐसा भी नहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि कोई युवती इतनी सुंदर हो कि कोई पुरुष देखते ही उसको मूर्छित हो जाए। लेकिन ऐसा इतनी बड़ी कल्पना, इतने कल्पना का उड़ान क्यों करते हैं जायसी? ये एक सवाल पढ़ते समय जायसी को मन में उठता है, और जवाब जहां तक मैं पढ़ा तो मुझे मिला कि वो जायसी को बहुत, पद्मावती को बहुत सर्वोच्च बनाना चाहते थे। क्यों? तो इसका जवाब आगे मिलता है कि सब कुछ को जब पद्मावती त्याग करती है, सब कुछ का त्याग करती है, तो उसके पास आधार क्या है? प्रेम। जायसी अपने उत्कृष्टतम जो रूप रचते हैं पद्मावती का, वो समर्पित किसको करते हैं? वो समर्पित करते हैं रतन सेन को। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि राजा रतन सेन को नहीं समर्पित करते हैं वो। इस प्रकार से प्रेम मार्गी कवियों की अपनी विशेषता रहती है, और अंत में ये मानव मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी नाही त काह छार भरी मुठ्ठी, यह हमें सिखाता है कि यही सब कुछ है और कुछ नहीं इसके जाने के बाद। धन्यवाद।
का ध्यान जो है दें, हालांकि अध्यक्ष महोदय बराबर इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब जितने लोग इस मंच पर आसीन हैं सबने अपना शोध पत्र वाचन कर दिया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सब नीचे वाली कुर्सी पर बैठ जाएं और अन्य जो शेष लोग हैं उनका बारी बारी से मैं नाम लेता जाऊंगा, वह जो है मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। जी को वह मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर सुभाष क्षीर सागर जी, घोर पड़े पद्माकर पांडुरंग जी यदि आ गए हों तो वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बबीता झा जी यदि हो तो वह भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रमोद कुमार शर्मा जी यदि हो तो वह भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बबीता झा जी और प्रमोद कुमार, आराम से बैठ सकते हैं। प्रमोद कुमार शर्मा जी, पार्वती भगवान राव पांडे, पार्वती भगवान राव पांडे मैडम अगर हैं तो बिल्कुल आ रही हैं, वहां करें। मैं सुशील कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वह भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर आसीन अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापकगण और सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, छात्रों को मेरा नमस्कार और सलाम। हिंदी और उर्दू की साझी विरासत विषय पर इस संगोष्ठी का जो आयोजन किया जा रहा है आज के संदर्भ में बिल्कुल सटीक है। रहीम ने हिंदू धर्म संस्कृति का गहन अध्ययन किया है और समाज में भिन्न भिन्न जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों को करीब से देखा है और अपने अनुभवों को हम पाठकों के साथ बांटने का एक अनोखा प्रयास किया है। रहीम के दोहों से सीख प्राप्त कर मनुष्य को अपना जीवन सुधारने का एक सुनहरा मौका मिल सकता है। आज से लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व रहीम ने अपने दोहों में जिन विषयों को लेकर चिंता व्यक्त की थी, समाज में लोगों के बारे में अपने अनुभव व्यक्त किए थे और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए जिन उदाहरणों को आधार बनाया था, वे आज के संदर्भ में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय के समाज के लोगों की मनस्थिति जैसी थी। रहीम का लोगों को सचेत करने की जैसी भावना थी है, वह आज के लोगों के लिए मार्गदर्शन प्राय है। जात पात, ऊंच नीच, जाति संप्रदाय, अनेकता में एकता, छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि अनेक विषयों को लेकर उन्होंने उस समय के समाज का जीता जागता तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। शायद उस जमाने में लोग जाति संप्रदाय के नाम पर बटे नहीं गए थे, लोगों की विद्वत्ता आंकने के मापदंड अलग थे। रहीम सभी संप्रदायों के प्रति आदर की भावना और सद्भावना रखते थे। रहीम की शिक्षा उदार धार्मिक वातावरण में हुई थी और अकबर की उदार धर्म निरपेक्षता नीति ने उनकी शिक्षा को गंगा जमुनी संस्कृति से ओतप्रोत कर दिया था। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में हमें यत्र तत्र हिंदू मुस्लिम संस्कृति की छाप दिखाई पड़ती है। हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक मान्यताओं को बड़ी ही ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे पवित्र ग्रंथों के अनेक प्रसंगों से प्रेरित होकर इन्होंने अपने दोहों में उदाहरण दिए हैं। रहीम का ये बड़ा ही सुंदर दोहा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे मैं शुरू करना चाहूंगी। जो रहीम ओछो बड़ाई तो अति ही इतराए, प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। भाव, भाषा, शब्द चमत्कार, सरसता लिए हुए रहीम के दोहे अपनी एक अलग विशिष्टता रखते हैं। रहीम ने सर्वप्रथम दोहा गंगा मैया को समर्पित किया है। वे कहते हैं, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। क्या गंगा नदी पुरुषार्थ से भी वो कहते हैं कि संपत्ति मिलती है और इसीलिए शायद पेट की आग बुझाने के लिए भीम को महाराज विराट के पास रसोईया बनकर रहना पड़ा। वे गोत्र और वंश की अभिवृद्धि के लिए लोग शुभ कर्म करते हैं का भी उल्लेख अपने दोहों में किया है।
रहिमन अपने गोत को सभी चहत उत्साह मृग उच्छरत आकाश को भूमि खनत बराह। लक्ष्मण भूख से व्याकुल राम सीता के लिए पराशर मुनि के आश्रम में गए थे और उनकी लाज उससे कम नहीं हो गई का भी उल्लेख उन्होंने अपने दोहों में किया है। हिंदू धर्म की अनेक मान्यताएं हैं, भक्ति श्रद्धा लगन प्रेम से भगवान की स्तुति करना प्रशंसा करना उनकी वंदना करना। व्यक्ति कभी कभी इनसे शून्य होकर मोह माया में भी पड़ जाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक माया उसे छोड़कर नहीं जाती की भी बात रहीम ने अपने दोहों में कही है। वैकुंठ में कल्प वृक्ष की उपस्थिति का ज्ञान रहीम को था, इसीलिए वे उस महान समझे जाने कल्प वृक्ष को भी तुच्छ मानते हुए कहते हैं कि तुम्हारे होने का क्या उपयोग है, तुम्हारे अस्तित्व का ना किसी को पता ही है और ना ही तुमसे तो अच्छा वह ढाक का पेड़ है जिसकी छाया में मैं अपने प्रिय के साथ गलबाहें किए बैठ सकता हूँ। अवतारों की बात रहीम जानते थे। रहीम ने भगवान के नाम की महिमा को भी समझकर सदा उसका स्मरण करने को कहा है। रहीम जैसे कवि विरले ही होते हैं, यदि इनके जैसे मनोवृत्ति मानसिकता हम सभी की हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। फिर आज हम जिस विषय पर अपनी मनस्थिति यहाँ पे आकर व्यक्त कर रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती और ना ही इस सभा की ना इस आयोजन का जो हमारे संयोजकों ने बखूबी करने का प्रयास किया है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना लोक मंगल की कामना जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में है जिसका पालन रहीम ने भरपूर किया है हमें भी करना होगा और पुनः अपने आप को खंगालना होगा। गंगा यमुना में फैले हुए प्रदूषण को दूर करने के लिए तो प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपयों की लागत लगाकर उसे प्रदूषण को दूर भगा रहे हैं, मगर हमारे अंदर फैले हुए प्रदूषण को हमें कैसे दूर करना है इसका पता भी शायद हमको ही करना होगा और यह विश्वास भी नहीं है कि प्रदूषण संभवतः दूर हो जाए। और कथनी और करनी में हमको समानता लानी ही होगी और मोहम्मद इकबाल की ये पंक्तियां मैं अभी जरूर कहना चाहूंगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार। सभा को सादर नमन। मैं बबीता झा। हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई की भावना न केवल हिंदू में विद्वान है बल्कि यह भावना मुस्लिम में भी परिपूर्ण दिखाई पड़ती है। आदिकाल से ही प्रारंभ यह समन्वय की भावना सभी को बांधने का कार्य करती आ रही है, यानी हमारा देश एक है। इस देश में विभिन्न रंग रूप विभिन्न भाषा विभिन्न जाति के लोग विद्यमान हैं, लेकिन विभिन्नता के बावजूद भी हमारे देश में एकता है। आज के समय में हिंदू मुस्लिम की बात करना अनपढ़ गवारों जैसी बात है। इसमें लोग आपस में बात करते हैं तो क्या धर्म पूछ के, लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो क्या धर्म पूछ के काम करते हैं, ऐसा नहीं, वे सभी एक होके काम करते हैं। ये दूरी और ये जो उनके बीच की जो रुकावट है ये सारे हम लोग खुद अपने आप में बनाते हैं, ये हमारे मजहब के नहीं हैं। अतः देश को धर्म मजहब के नाम पर नहीं बांटा जा सकता है। जिस प्रकार एक घर में एक माँ के चार बच्चे होते हैं तो क्या माँ सारे बच्चों को अलग अलग देखती है, नहीं। उसी तरह हमारे भारतवर्ष में भी एक भारत माँ के चार बच्चे हैं तो वो अलग अलग भागों में नहीं बांटती। तो इतने समानता होने के बावजूद हम अपने धर्मों में समानता देखते हैं, यानी हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशवासा चाहे अनेक हैं। हिंदी साहित्य में तेही अहिर की छोड़ियां छछियां भर छांछ पर नचावे ऐसे भाव व्यक्त करने वाले रसखान के बारे में हम अपने भाव व्यक्त करने जा रहे हैं। हिंदी के मुसलमान कवि रसखान, इनका जन्म 1558 ईस्वी में पठान के घर हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहा करते थे, विठल नाथ से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। इनकी दो रचनाएं व्याप्त है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इन पर सूफियों और फारसियों का प्रेम पद्धति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। रीतिकाल में अध्यात्म की जगह भौतिकता का समावेश था।
रसखान स्वच्छंद काव्यधारा के कवि थे, उनमें आराध्य के प्रति पूर्ण भक्ति दिखाई पड़ती है। आत्म निवेदन भक्त की विशेषता होती है जो उनकी कविता में दिखाई पड़ती है। कहाँ करे रसखान का कोई चुगल लवार, जो पे माखन हार हैं माखन चाखन हार। उनका भगवान के प्रति अगाध विश्वास है, उनके अनुसार प्रेम हृदय की उदात भावना है। गुण यौवन रूप का आकर्षण प्रेम युद्ध नहीं बल्कि हृदय का प्रेम है। वास्तविक है इनके काव्य में माधुर्य भक्ति है, जिनके तीन अंग रूप वर्णन, विरह वर्णन और संपूर्ण आत्माभिव्यक्ति। मोतिन माल बनी लटकी, लटकी लट्टा लट घुंघर वारी, इन्होंने कृष्ण के रूप का के साथ राधा के सौंदर्य का भी संपूर्ण वर्णन किया है। विरह वर्णन तो इनका अद्भुत है, सारे बाग में फूल खिल गए, वसंत के आगमन पर भौरे उन पर गूंज रहे हैं, कोयल की कूक सुनकर भी सभी वापस आ गए। लेकिन कृष्ण इतने कठोर हैं जो अभी तक हमारी इस मादक ऋतु में हमारी खबर भी नहीं लिए। फूलत फूल सवे बन बागन, बोलत भौर बसंत के आवत, कोयल की किलकार सुने सब कंत विदेशन ते सब आवत। ऐसे कठोर महारस खान जून न केहू मोड़ी ये पार न पावत, हुक सी सालत है ये में जब बैरिन कोयल कूक सुनावत। उसी प्रकार उनका आत्मसमर्पण भी बहुत दर्शनीय है, जैसे सेव महेश गणेश दिनेश सुरसेहु जहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे पचिहारी तव पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोड़िया छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। तो कृष्ण ऐसे हैं जो एक छछिया भरी छाछ पर गोकुल की लड़कियों के पीछे पीछे घूमते हैं। क्या ये उनके प्रेम का ही रूप है? रसखान लौकिक लीला का वर्णन करते हुए जिस कृष्ण के गुणों का शेष नाग शिव गणेश सूर्य निरंतर स्मरण करते हैं, वेद जिसके स्वरूप को अनादि अनंत अखंड बताते हैं, नारद सुखदेव व्यास जैसे पंडित भी उनके स्वरूप का पता नहीं लगा पाते, उन्हें कृष्ण को अहिर की लड़कियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचाती है। इन पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूं। मुझे यहां आने का अवसर दिया इसके लिए मैं आयोजकों की आभारी हूं। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों सभी को मेरा सलाम। मेरे प्रपत्र का विषय है खुली कुतुब शाह का काव्य संसार और साझा संस्कृति। मोहम्मद खुली कुतुब शाह कुतुबशाही वंश का पांचवां शासक था। इसने सन 1980 से 1611 तक 31 वर्ष गोलकोंडा पर शासन किया। वह दक्षिणी का पहला कवि था जिसने कविता की विभिन्न विधाओं विशेषकर गज़ल मरसिया खसीदा रुबाई आदि में काव्य रचना की है। खुली कुतुब शाह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वह जितना अच्छा कवि था उतना ही वीर योद्धा और कुशल प्रशासक भी था। काव्य के अतिरिक्त चित्रकला संगीत और वास्तुकला में उसकी गहरी रुचि थी। 400 वर्षीय दक्षिणी साहित्य हजरत ख्वाजा बंदा नवाज से लेकर सुलेमान खतीब तक हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक है। खुली कुतुब शाह इस साहित्य का एक अंग ही नहीं इसका निर्माता भी है। आज हिंदी और उर्दू भाषी दक्षिणी भाषा और साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात दक्षिणी हिंदी और उर्दू की साझा विरासत है और इस साझा विरासत का सुंदर उदाहरण खुली कुतुब शाह की कविता है। खुली कुतुब शाह की कविता में साझा संस्कृति के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें से कुछ अंशों की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। खुली के काव्य पर भारत की भाषाओं का साहित्य का और विभिन्न शास्त्रों का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे संस्कृत भाषा और साहित्य, संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, कामशास्त्र, नाट्यशास्त्र आदि। संस्कृति और भाषा का अन्योन्याश्रित संबंध है। किसी भी संस्कृति की विकास यात्रा का मापन उसकी भाषा की विकास यात्रा द्वारा किया जा सकता है। हर संस्कृति किसी न किसी भाषा या भाषाओं द्वारा अपने को अभिव्यक्त करती है। संस्कृत भाषा का प्रयोग। संस्कृत भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। संस्कृत में वैदिक और लौकिक साहित्य लिखा गया है, अतः हम संस्कृत को भारतीय संस्कृति की वाहिका मान सकते हैं। खुली कुतुब शाह के काव्य में हम इस भाषिक समन्वय को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुतुबशाही शासकों की मातृभाषा और शासकीय भाषा फारसी थी, किंतु खुली कुतुब शाह ने अपने काव्य रचना में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। वह संस्कृत के महत्व से परिचित था
और संस्कृत शास्त्रों का भी उसे अच्छा ज्ञान था, जिसकी झलक उसके काव्य में दिखाई देती है। संस्कृत के महत्व के बारे में उनका कथन है कि सात समंदर नमन संस्कृत का इल्म बहे, तू लोड़े जिन वह कारी दिखा दे इसके गतां। अर्थात संस्कृत का ज्ञान सप्त समुद्र की भांति बह रहा है, इसमें जो तैर सकता है उसको इसका ज्ञान प्राप्त होगा। भारतीय रीति रिवाज। कुली कुतुब शाह भारतीय रीति रिवाजों को बहुत पसंद करता था। उसने स्वयं स्वीकार किया है कि हिंदू रीत को देते हैं तुम रिवाजा, अर्थात तुम हिंदी रीति रिवाजों को प्रोत्साहित करते हो। वे कौन से रीति रिवाज हैं, जिसकी ओर कुली ने इशारा किया है। कुली कुतुब शाह के काव्य के अवलोकन से हमें कुछ रीतियों का पता चलता, जैसे आरती उतारना। आरती उतारना एक शुद्ध भारतीय रस्म है। पूजा के समय और अतिथि के स्वागत के लिए या किसी शुभ अवसर पर आरती सजाई जाती है। इसका वर्णन कुली ने इस तरह किया, करते हैं जीवा प्यार थे तुम पर थे रिजवा आरती, जोहरा सो निस्दिन वारने चंद सो उतरिया या अली, मोहब्बत आरती यूं वारते हैं ज्यो ढाल, सो मोती ढाल दरिया का झुकाया बरस गांड, हूरा तबक सो नूर लाके किया या जाओ सो आरत, सितारे सूर चंदा करते तुझ ऊपर। सिंदूर लगाना। भारतीय महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं, यह पतिव्रता महिलाओं की निशानी है। पलक कांटे नैन बांधे न जावे ख्याल तेरे कुन, रखम इस ख्याल मो पेशानी को सिंदूर कर साखी। मेहंदी और जलवे की रस्म। शादी की रस्मों में मेहंदी लगाना और जलवा दुल्हन की एक महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है। यह रस्में सभी धर्मावलंबियों में आज भी पाई जाती हैं, जो साझा संस्कृति की प्रतीक हैं। कुली कुतुब शाह ने मेहंदी की रस पर नज़म लिखी है, अमृत घड़ी घड़ी में खुशियां तबल बजाए, सुरंग रंगीली मेहंदी बहुरंग सो किलाकर। ये कविताएं उस समय की दुल्हनों की सजदज और जलवे की पद्धति का वर्णन करते हैं। रचा वो तख्त जलवे का खुशी सो के चौंधर चौक मोतियां सो सवारे, जड़ाओ तेल अब सातो सुहागा मुशात हो के जहरा हस्त निगारे, पिला शरबत देव हाथा में बीड़े बंदाओ साड़ियां मोतियां किनारे। इनके अतिरिक्त कदम कस्तूर और कुमकुम जो केवल यहाँ विशेष संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं, इनका भी वर्णन है। और आगे संगीत शास्त्र का, जिसको भारतीय संगीत के रागों का परिचित था कुली कुतुब शाह को, इसका भी जो उसने इसमें वर्णन किया है। और ऋतुओं का वर्णन, जैसे यहाँ पर छः ऋतुओं का वर्णन, ऋतु वर्णन को लेकर एक विधा बारह मासा की विधा चल पड़ी। और एक वसंत ऋतु का वर्णन देखिए, बसंत खेले इश्क की आ प्यारा, तुम्ही है चांद मैं हूँ जू सितारा, बसंत खेले हमन और साजना यूं के आसमा रंग शफक पाया है सारा। इनके अतिरिक्त कुली की कविता में भावों की विविधता है। कुली कुतुब शाह ने नायिका भेद का सुंदर वर्णन किया है। कुली कुतुब शाह ने केवल फारसी और दखनी को ही नहीं बल्कि स्थानीय तेलुगु भाषा को भी जो है बढ़ावा दिया। और कुली कुतुब शाह द्वारा स्थापित यह साझा संस्कृति की परंपरा को परवर्ती आसफजाई शासकों ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने भी विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक समय को आगे बढ़ाया। दखनी का परिनिश्चित रूप उर्दू भाषा है, यह फारसी के स्थान पर 1884 में राजभाषा बनी। आसफजाई शासक मीर उस्मान अली खान ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की 1918 में स्थापना की। किसी भारतीय भाषा में विश्वविद्यालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। 1918 से लेकर 1956 तक उर्दू माध्यम से उस्मानिया विश्वविद्यालय में शिक्षा होती रही और यहाँ के विद्यार्थी गंगा जमुनी तहजीब के प्रतिनिधि और प्रचारक बने। हैदराबाद शहर जहाँ विभिन्न भाषा भाषी विभिन्न संस्कृतियों के 1 करोड़ जनता का सहजीवन, भिन्नता में एकता की उद्घोषणा शायद कुली कुतुब शाह की उस प्रार्थना का प्रतिफल दिखाई दे रहा है जिसको उसने इस नगर की नींव डालते समय की थी। मेरा शहर लोगां सो मामूर कर रखिया जूं तू दरिया में मिनिया समी। इसी शहर में 4 दशक के अंतराल के बाद 1998 में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये हमारी साझा संस्कृति की विजय है। आज यह विश्वविद्यालय गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। हम आशा करते हैं यहाँ से संसार को मानवता प्रेम भ्रातृत्व और शांति का संदेश मिले, जिससे भारतीय जनमानस सुख शांति की अनुभूति करे। समानी व आकूति ही समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहा सती। धन्यवाद। मैं सुशील कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपना पत्र वाचन करें। अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापकगण और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जो मेरा शोध पत्र का शीर्षक है वह है हिंदी साहित्य के प्रेमार्गी काव्यधारा में गंगा जमुनी तहजीब की अभिव्यक्ति।
हिंदी प्रेमार्गी काव्य धारा के कवियों में गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा मिलती है। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध होते हैं उसकी अभिव्यक्ति इनके काव्य ग्रंथों में हुई है। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियों को हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदय से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। हम इस परंपरा को अमीर खुसरो से विकसित हुआ भी देख सकते हैं। अमीर खुसरो ने उदारता का परिचय देते हुए भाषा से भाषा को जोड़ा तो संप्रदाय से संप्रदाय को भी। हिंदू मुस्लिम रिश्तों को लेकर मध्यकाल में टकराव हुए हैं तो उनके बीच सामंजस्य लाने का भी प्रयास किया गया है। अमीर खुसरो ने हिंदू मुसलमानों के बीच के टकराव को खत्म करने के लिए ही समान जनता के स्तर पर अपनी पहलियों और मुखड़ियों का उपयोग किया। पहलिया और मुखड़िया बुझाते हुए हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के करीब आए तो उनकी गलतफहमियां दूर हो गई। यही नहीं, अमीर खुसरो ने हिंदू घरों की बेटियों की दर्दिली दास्तान सुनाई और गंगा जमुनी तहजीब को विकसित किया। काहे को ब्याहे विदेश ओ लखिए बाबुल मोड़े, काहे को ब्याहे विदेश भैया को दियो बाबुल महले दो महले, हमको दिए परदेश अरे लखिए बाबुल मोड़े काहे को ब्याहे विदेश। यही नहीं, अमीर खुसरो ने अपने दो सखनों में एक पंक्ति फारसी और एक पंक्ति हिंदी की रखकर फारसी और हिंदी की निकटता के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को ही आगे बढ़ाया। चू चश्म सोजा चू चर्जर हैरा हमेशा गिरिया व असके अमोह, न नींद नैना न अंग चैना न आप आवे न भेजे पतिया। कविता को सांप्रदायिकता के दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। कविता संप्रदाय निरपेक्ष होकर मानव सत्य को साक्षात्कार कराती है। इस धारा की कवियों ने बार बार यह सिद्ध किया है कि कविता को सांप्रदायिकता की नज़र से नहीं देखा जा सकता है। इस प्रसंग में जायसी उल्लेखनीय कवि है। उन्होंने मुसलमान होकर हिंदू सौर्य की गाथा दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध लिखी है। मुसलमान होकर दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध लिखना बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वे पद्मावत के चित्र में एकदम खड़े उतरते हैं। उन्होंने दोनों पक्षों का पूरे आदर और आत्मीयता से उल्लेख किया है। और नई आए दोनों दल साजे, हिंदू तुरक दुए रन गाजे। इस संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उचित ही टिप्पणी की है। और अगर आत्मीयता कहें कुछ अधिक है तो चित्तौड़ के साथ, न कि दिल्ली के। प्रेमार्गी काव्य धारा के कवियों ने अपने दर्शन के द्वारा भी गंगा जमुनी तहजीब को अभिव्यक्त किया है। मुसलमान सूफी कवि अपने दर्शन द्वारा इस आस्था को प्रलवित करते हैं कि ईश्वर एक सौंदर्यमय रूह है जिसने जीवन जगत में अपना सौंदर्य प्रतिछायित कर रखा है। सांसारिक सौंदर्य का उस परम सौंदर्यमय रूह से तत्कालिक बिलगांव ही उसके वियोग दशा का कारण है। वियोग दशा में रहते हुए उस परम सौंदर्यमय रूह के निरंतर स्मरण से ही उससे पुनर्मिलन संभव है। इसके लिए साधक इस मजाजी से इस हकीकी की ओर बढ़ता है। इसी क्रम ये सूफी कवि मौका पाकर अद्वैत दर्शन, नाथों के हठ योग और निर्गुण साधना की अंतर प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रयोग जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान आदि सभी सूफी कवियों ने किया है। सूफी कवियों के द्वारा अद्वैत दर्शन, हठ योग और निर्गुण मत के अंतर प्रक्रियाओं का प्रयोग गंगा जमुनी तहजीब की ही परंपरा को आगे बढ़ाता है। प्रेमार्गी काव्य धारा के कवियों ने पुस्तक के आरंभ में स्तुति में उपरांत पैगंबर और चार खलीफाओं की बादशाही की तथा तत्कालिक बादशाह की प्रशंसा की। यह परंपरा सभी सूफी कवियों में मिलती है। उस्मान ने तो जायसी का पूरा पूरा अनुकरण किया है। इस्लाम में आस्था रखने के बावजूद तथा बादशाह की प्रशंसा करने के बाद भी वे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से निरपेक्ष होकर हिंदू मुसलमानों दोनों पक्षों का बड़ी आत्मीयता से उल्लेख करते। उनके चित्रण में कहीं भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं दिखता। जायसी ने पद्मावत में तो अलाउद्दीन को ही खलनायक दिखाया। इस दृष्टिकोण से भी कवि गंगा जमुनी तहजीब को ही पोषित करते हैं। प्रेमार्गी काव्य धारा में कवियों ने अवंतर प्रसंगों के द्वारा भी विभिन्न दृश्यों, स्थानों तथा ज्ञान विज्ञान की जानकारी जैसे दर्शन, ज्योतिष, पाक कला, अश्व कला आदि की विस्तार से चर्चा करते हैं। एक कवि अवंतर प्रसंगों के द्वारा एक तो वे अपने पाठकों को विविध विषयों का ज्ञान देते हैं तो दूसरी तरफ ये लोग रुचि के अनुरूप अपने काव्य को उपादेय बनाते हैं। बरात, जौनार आदि के वर्णन द्वारा एक तत्कालिक समय में प्रचलित हिंदू संस्कृति का परिचय भी देते हैं। इन वर्णों के द्वारा प्रेमार्गी धारा के कवि गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा को ही विकसित करने का काम करते हैं। मैं पार्वती देशपांडे रसखान की कृष्ण भक्ति पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं रसखान के बारे में। हिंदी साहित्य में तथा रीतिकालीन कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है रसखान के बारे में, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये,
सूफियों का हृदय लेकर रसखान ने कृष्ण की लीलाओं पर काव्य रचा। कहा जाता है रसखान के बारे में, पहली बार जब रसखान ने बाल कृष्ण की तस्वीर देखी और उस पर मुग्ध हो गए और वो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वृंदावन तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। 3 दिन भूखे प्यासे बैठे भगवान को मिलने के लिए तड़पते रहे, लेकिन कहा जाता है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान खुद चलकर रसखान को साक्षात दर्शन दिया। इन्होंने विठल नाथ से दीक्षा ली और आजन्म कृष्ण के भक्त बने रहे। रसखान के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान को रसकी खान कहा गया। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है और इनके काव्य में उल्लास, उत्कटता और मादकता तीनों का संयोग है। ब्रजभूमि के प्रति जो मोह रसखान के कविताओं में दिखाई पड़ता है उनकी विशेषता है। इनके युग में एक और सांप्रदायिक भक्ति का जोर था और अनेक तीर्थ स्थान, मंदिर, मठ, अखाड़े उनके केंद्र थे और दूसरी ओर ऐसे भी भक्त थे जो इन सांप्रदायिक हलचल से दूर रहकर अपने भक्ति में लीन रहना पसंद करते थे। रसखान इसी प्रकार के भक्त थे, ये स्वच्छंद भक्ति के प्रेमी थे। रसखान ने सूफिज्म को भी श्री कृष्ण के माध्यम से प्रकट किया। इससे कहा जा सकता है कि ये सामाजिक और आपसी सौहार्द के हिमायती थे। कहा जाता है तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस रसखान को सुनाया। रसखान ने भगवत गीता का अनुवाद फारसी भाषा में किया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि ये इन्हें फारसी भाषा का भी ज्ञान था। रसखान ने ब्रज भाषा में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण लीलाओं का इतना सरल सुबोध सरस वर्णन किया कि बड़े बड़े धर्माचार्य और कथाव्यास इनके कविताओं को दोहराते हुए भाव विभोर हो उठते। प्रेम वाटिका में रसखान ने प्रेम की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया वे लौकिक और अलौकिक प्रेम पर समान रूप से लागू होती है। जीवन दर्श के मर्म को समझाने वालों ने कहा कि जीव की जीव साधना का सबसे बड़ा लक्ष्य है संसार के बंधन से मुक्ति। कर्म, ज्ञान आदि सभी इस साध्य के साधन हैं, परंतु भक्ति की विलक्षणता इस बात में है कि वह साध्य भी है और साधन भी। यही बात रसखान ने पूरे जोश के साथ कही है। उनके दर्शन का मुख्य बिंदु यही है कि प्रेम कारण भी है और कार्य भी। कारण कारज रूप यह प्रेम है रसखान, कर्ता कर्म क्रिया करण क्यों आप ही प्रेम बखान। रसखान का ब्रजों के प्रति मोह देखिए। रसखान का आराध्य के प्रति इतना गंभीर लगाव है कि प्रत्येक स्थिति में उनका सानिध्य पाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी परिणाम सहना पड़े। वे अपने भगवान से कहते हैं आगामी जन्म में मुझे अगर मनुष्य योनि मिले तो मुझे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग मिले, अगर पशु योनि मिले तो मुझे गाय बनाना ताकि नंद की गाय के साथ में विचरण कर सकूं, अगर पत्थर भी बनो तो उसी पर्वत का बनो जिसे आपने अपने तर्जनी पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, अगर पक्षी भी बनो तो मुझे ब्रज में ही जन्म पाऊं ताकि यमुना के तट पर कदम के वृक्षों की डालियों पर मैं निवास कर सकूं। रसखान अपने आराध्य से विनती करते हैं मुझे सदा अपने नाम का स्मरण करने दो ताकि मेरी जिह्वा को रस मिले, मुझे अपने कुंज कुटीरों में झाड़ू लगा देने दो ताकि मेरे हाथ सदा अच्छे कर्म कर सके, ब्रज की धूल से अपना शरीर सवार कर मुझे 8 सिद्धियों का सुख प्राप्त करने दो। रसखान बाल कृष्ण वर्णन का वर्णन करते हुए कहते हैं कोई गोपी अपने सखी से कृष्ण की अलौकिकता और उनकी बाल लीला का वर्णन करते हुए कहती है हे सखी, शिव जिसको आराध्य मानकर ध्यान करते हैं, सारा संसार जिसकी पूजा करता है, जिसे महान और दूसरा देव मैंने कोई नहीं देखा, वही कृष्ण साकार बनकर अवतरित हुआ जिसका रूप रंग मुझे कुछ कुछ अद्भुत सा लगा है, और सखी क्या कहूँ उस कृष्ण को मैंने मिट्टी खाते हुए देखा है। रसखान के मन में अपने आराध्य के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, विश्वास, अनुराग है, किंतु अन्य कृष्णों के भांति इनका हृदय संकीर्ण नहीं है। ये कृष्ण के साथ गंगा और शिव का भी के प्रति भी इनके मन में श्रद्धा भाव है और उदार मन की यह उदारता
उदार मन की यह उदारता रसखान के अतिरिक्त न अन्य कृष्ण भक्तियों में मिलती है और न ही स्वच्छतावादी कवियों में। तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत। कृष्णम्मा जी, डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर जी, एम रामचंद्र जी, डॉक्टर सोनाली मेहता, डॉक्टर पठान जेसी, प्रमोद कुमार शर्मा जी, चंद्रकांती पांडे जी, ढोंदी चंद्र प्रकाश जी, मोहम्मद नजरुल हुदा जी उपस्थित हैं अपने विचार अभ्यक्त करने के लिए। आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। उनको मेरा नमस्कार। और मेरा नाम ढोंदी चंद्र प्रकाश है और मेरा विषय है सूफियों की गंगा जमुनी तहजीब। सूफी मत का जन्म कि इस्लाम पर शामी विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। इस विचारधारा में कि जीव और ब्रह्मा के संबंधों का कि निरूपण दाम्पत्य भाव के विरह के माध्यम से कि किया जाता था। सूफी शब्द का अर्थ सूफ ऊन, सोफोस ज्ञान, सुफा चबूतरा, सफा पवित्र तथा कि साफ पंक्ति से कि लगाया जाता है। डॉक्टर यानी कि गणपत चंद्र गुप्त ने कि इस काव्य धारा के लिए कि एक नया नाम दिया है, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। इस काव्य परंपरा में कि प्रेम काव्यों की रचना हुई है। सूफी काव्य परंपरा के कि प्रमुख कवि कि एवं रचना यानी कि मुल्ला दाऊद, चंदायन, जायसी, पद्मावत, अखरावट एवं कि आखिरी कलाम, कुतुबन रुगावती, मंजन मधुमालती, उस्मान चित्रावली, शेख नबी, ज्ञानद्वीप एवं हम्स जवाहिर, नूर मोहम्मद ने की इंद्रावती, अनुराग बांसुरी आदि। सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ देखिए, अधिकांश ने की कवि मुसलमान हैं परंतु की धार्मिक कट्टरता नहीं थी। कवि लोगों ने की सूफी मत का के प्रचार व प्रसार करने के लिए की हिंदू राजा रानियों के कहानियों को की अपना विषय बनाया। जायसी ने की अपने मसनवी शैली में की राजा रतन सेन और इनकी राजकुमार ने की पद्मावती के ऐतिहासिक प्रेम कथा को इनकी वर्णन किया है। गुरु की महिमा के साथ साथ इनकी अपनी आस्थाओं एवं इनकी धार्मिक विश्वासों की इनकी विवेचना भी की गई है। सूफी कवियों ने की प्रेम कथाओं का इनकी नामकरण प्रायः नायिका के इनकी आधार पर किया है, जैसे कि इनकी जायसी कृत की पद्मावत का नामकरण नायिका पद्मावती के आधार पर, मंजन कृत की मधुमालती, कुदुबन कृत की मृगावती आदि। अधिकांश कवियों ने की लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से की अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। यह पद्मावती ने की उल्लेख नहीं है। रतन सेन आत्मा का प्रतीक है और इनकी पद्मावती ने की परमात्मा का प्रतीक है। रतन सेन के हृदय में जो उत्कृष्ट लालसा की पद्मावती से की मिलन के लिए की है, उसे आत्मा की परमात्मा के प्रति की मिलन की अभिलाषा ही समझा जाना चाहिए। अलौकिक प्रेम की इस व्यंजना के कारण की सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का समावेश हो गया है। इनके प्रेमाख्यान के प्रबंध काव्य हैं जिनमें कथा तत्व का समावेश है। इसी प्रकार की कुछ कथानकर की रूढ़ियाँ ईरानी साहित्य से भी इनकी ली गई हैं। यथा इनकी प्रेम व्यापार में परियों एवं इनकी अलौकिक शक्तियों का इनकी सहयोग, उड़ने वाले इनकी राजकुमारियाँ, राजकुमारी द्वारा इनकी प्रेमी को इनकी गिरफ्तार करवा लेता इत्यादि। जैसी कि इनकी पद्मावत में इनकी ऐसी अनेक कथानकर की रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियों की योजना की है। मानसरोवर में की पद्मावती का की साथियों सखियों के साथ की स्नान करना, नायिका को की विरहताप यानी कि चढ़ने पर की वैद्य द्वारा की नाड़ी परीक्षा करना, बारामासा के द्वारा की विरह निरूपण, समुद्री तूफान से की नौका का की टूट जाना तथा की शंकर पार्वती द्वारा की सहायता करना, इसी प्रकार की इनकी कथानक रूढ़ियाँ हैं। नूर मोहम्मद के की इंद्रावती के नायक के द्वारा की ब्रह्म रूप नायिका के की निवास स्थान की अमरपुर की यात्रा गई है, जिस तक की पहुंचने वाले की मार्ग में की रूप शब्द सुगंध स्वाद और स्पर्श नामक की पांच गहन वन यानी कि पहले पढ़ने हैं, फिर यानी कि अन्य दो अभिलाषा और नाम स्मरण से की संबंधित की बताए गए हैं। इन सातों गहन यानी कि गंभीर वनों से की गुजर कर ही अधिक यानी कि राजकुमार यानी कि अमरपुर में जा पाता है। अपने दूसरे प्रेमाख्यान के काव्य की अनुराग बांसुरी में भी इनकी कवि ने की प्रतीकों के सहारे की कथा को प्रस्तुत किया है। सर्वमंगला नाम की इनकी नायिका को इनकी पाने के लिए इनकी अंतःकरण इनकी नामक नायक स्नेह रूप से प्रोत्साहन पाकर इनकी स्नेह नगर के लिए इनकी प्रस्थान करता है। अंतःकरण इनकी नायक के दो मुख्य साथी संकल्प विकल्प वर्णित हुए हैं। उसके तीन अन्य सहयोगी इनकी बुद्धि चित्त और अहंकार बताए गए हैं।
नूर मोहम्मद के यानी कि ये दोनों यानी कि काव्य काव्यात्मक दृष्टि से भी यानी कि उत्कृष्ट माने जाते हैं। और चरित्र चित्रण देखा गया तो उनकी सूफी प्रेमाख्यानकों में नायक नायिकाओं के यानी कि चरित्रांकन की एक जैसी की पद्धति दिखाई पड़ती है, जिसमें कि जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। नायक होने की प्राय यानी कि राजकुमार यानी कि दिखाते हुए सहृदय साहसी प्रेमी एवं यानी कि पर दुखदार यानी कि बताया गया है, जबकि यानी कि नायिका अत्यंत सुंदरी रूपवर्णिता रूपगर्विता यानी कि बुद्धिमती राजकन्या के रूप में यानी कि चित्रित की गई है। प्राय सभी कवियों ने कि भारतीय वातावरण में मर्यादाओं के अनुरूप यानी कि नायक नायिका का चित्रण चित्रित किया है। और निष्कर्ष के रूप में मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, हिंदी के यानी कि प्रेमाख्यान के काव्यों के द्वारा यानी कि जनसाधारण के यानी कि ज्ञान कोश में यानी कि पर्याप्त वृद्धि हुई, क्योंकि यानी कि इनमें इनके रचयिताओं ने दर्शन धर्म नीति कामशास्त्र ज्योतिष वैद्य आदि विषयों की यानी कि जानकारी का यानी कि समावेश अपनी रचनाओं में किया है। मध्यकालीन यानी कि संस्कृति यानी कि लोक जीवन के यानी कि विविध पक्षों का यानी कि सहज स्वाभाविक चित्रण भी इनमें हुआ है। और सौंदर्य प्रेम और विरह की जो त्रिवेणी इन ग्रंथों में यानी कि उपलब्ध होती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं पीएचडी का शोधार्थी हूँ। मेरा डिपार्टमेंट सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, सामाजिक बहिष्कार एवं समावेशी नीति विभाग है। आप लोगों के समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। मेरा जो उन्वान है यानी शीर्षक है वाचन का, वो यह है कि हिंदी साहित्य के मुसलमान लेखक गंगा जमनी तहजीब प्रेम मार्गी शाखा के कवियों के संदर्भ में पूरे विश्व में हिंदी और उर्दू मुमकिन तौर पर एक ऐसी एकलौती भाषा है जिनके संज्ञा सर्वनाम क्रिया और वाक्य रचना पूर्णतः समान होने के बावजूद इन्हें दो अलग अलग भाषाएं मानी जाती है, इस्म जमीर और फेल एक होने के बावजूद। उर्दू उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो या तो फारसी या फिर हिंदी नहीं समझते हों, हिंदी के शब्दों का अल्फाजों को फारसी का स्पर्श देकर यानी दोनों भाषाओं को मिलाने के बाद जो नया रूप नया शक्ल सामने आया उसको उर्दू का नामकरण किया गया, उसको उर्दू की संज्ञा प्रदान की गई। चूंकि मैंने 10वीं जमात तक मुझे फारसी सीखने का भी मौका मिला है और मुझे फारसी भी पढ़ाया गया था, तब मैंने उसमें मुझे ये समझने का मिला कि तलफ़ुज़ प्रोनंसिएशन उच्चारण का किस तरह से वर्गीकरण किया गया, किस तरह से वर्गीकृत किया गया। ये जो पीरियड है जो मैंने पढ़ा है 1375 से 1700 का पीरियड है, जो भक्ति काल का पीरियड है, जो प्रेमाश्री का समानार्थी प्रेम मार्गी है, जिसमें प्रेम मार्गी उसका एक अंग है। तो इसमें मुसलमान सूफी कवियों की इस समस्या की काव्यधारा को प्रेम मार्गी माना गया है। इस शाखा के कवियों के अंतर्गत मालिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह आदि प्रमुख माने जाते हैं। इस हिस्से के अंतर्गत ऐसा माना गया है कि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं और ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है। यह प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई है। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और उसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए भी इन कवियों ने हिंदू जीवन से संबंधित कथाएं लिखी हैं। खंडन मंडन में न पढ़कर इन फकीर कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। अनेक मुसलमान कवियों ने हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की हैं।
वे सब कवियों के अंतर्वस्तु भारतीय लोक जीवन से ली और खुलकर भारतीय मिथकों का प्रयोग किया है। कुछ मशहूर फारसी रचनाएं जो कि भारत के बाहर रची गई थी, हिंदू और मुसलमान दोनों ही साहित्य के दीवानों ने समान रुचि से पढ़ी। मिसाल के तौर पर उदाहरण स्वरूप शेख सादी की गुलिस्तां और बोस्तां, हाफिज सेराजी की संबोधित गीतियां और मौलाना रोम की मसनवी। समय सीमा कम रहने की वजह से मैं बहुत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई शको सुभात नहीं, कोई संकोच नहीं कि हिंदू दूसरे हिंदुओं से इस शर्त पर बेहतर है जो अपने मजहब अपने धर्म के अलावा अतिरिक्त इस्लाम पर भी श्रद्धा रखता है और वह मुसलमान भी दूसरे मुसलमान से बेहतर है जो अपने धर्म या मजहब के अलावा हिंदू धर्म का भी सम्मान करता है। इन प्रेम मार्गी शाखा के कवियों के काव्यों का समीक्षात्मक रूप से अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि भारतीय चरित काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है और इन कवियों के कथा के बाब में यानी के अध्याय में, बाब फारसी लफ्ज है, तफसीलात के हिसाब से मुनकसिम नहीं होता यानी वर्गीकृत नहीं होता और लगातार चलता रहता है। सिर्फ जगह जगह पर घटनाओं या प्रसंगों का उल्लेख उन्वान के तौर पर यानी शीर्षक के तौर पर रहता है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रेम मार्गी सूफी संत कवियों ने अपने काव्यों के माध्यम से तमाम संप्रदायों का प्रायोगिक रूप से एकता का पाठ पढ़ाया, तमाम धर्मों का सम्मान कर मानव मूल्य को दर्शाया है। धन्यवाद। यानी क्षमा याचना करता हूं क्योंकि सभी पत्र प्रवाचकों ने मेहनत कर प्रपत्रों को प्रस्तुत किया लेकिन हम समय नहीं दे पाए और इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ है और इसलिए यानी पत्र जो भी प्रवाचक हैं उनके साथ भी क्षमा की याचना है और श्रोताओं के साथ भी क्षमा की याचना है। और अब रहा एक दो बातों ही की ओर ही मैं ध्यान देना चाहता हूं। यानी यहां शेख अब्दुल समी ने कुली कुतुबशाह पर बताया क्योंकि हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में जो काम हुआ है उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और ये हैदराबाद सूफी संप्रदाय का गढ़ था क्योंकि हैदराबाद के आसपास के जो है बीजापुर है यानी गुलबर्गा है आदि आदि प्रांतों में सूफी संत थे। यहाँ सूफी काव्य लिखे गए इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर विशेष ध्यान इसलिए नहीं दिया गया कि आज के हिंदी के कोई भी छात्र उर्दू नहीं जानता, वो जो फारसी लिपि में है वो काव्य इसलिए वो पढ़ नहीं पाता और पढ़ नहीं पाता इसलिए उसके बारे में वो कुछ कह नहीं पाता। अगर किसी ने कुछ लिखा है तो उसको पढ़ करके ये लिख सकता है लेकिन स्वयं वो काव्य को नहीं पढ़ सकता। इसलिए यानी हैदराबाद के जो है विश्वविद्यालयों में सूफी अध्ययन पीठ का यानी संयोजन होना चाहिए, कम से कम तेलंगाना के विश्वविद्यालयों में सूफी अध्ययन पीठ का संयोजन होना चाहिए, हिंदी विभाग के अंतर्गत ही हो या अलग हो लेकिन जब ये होता है तो सूफी विचारधारा का प्रचार होता है, सूफी विचारधारा की जानकारी हमें मिलती है। अन्यथा मैं यानी उर्दू का एक अक्षर भी नहीं जानता तो फिर मैं सूफी काव्य कहाँ से पढ़ सकता हूँ, एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता। जब नहीं पढ़ सकता तो फिर उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, ये स्थिति है और इससे यानी आगे आना है और इसके लिए विश्वविद्यालयों से निवेदन है कि सूफी अध्ययन पीठ रखें। धन्यवाद जी को आमंत्रित करता हूँ, वह मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। चल रही दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर टी मोहन जी और यहाँ उपस्थित विद्वज्जन तथा शोध छात्र विद्यार्थी, आप सभी ने यहाँ आकर के इस संगोष्ठी में अपनी भागीदारी
निश्चित की और अपने शोध प्रपत्र में हिंदू मुस्लिम एकता साझी विरासत की बात की। इसके लिए आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि विश्वविद्यालय से निकलने के बाद समाज को आप एकता का एक संदेश देंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी शोध प्रपत्र यहाँ पढ़े गए उन सभी का शोध पत्र बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। जो कुछ भी इसमें बातें की गई वह एकता से इतर नहीं कही गई और इसमें कुछ प्रपत्र तो ऐसे हैं कि जिनकी जितनी ही सराहना की जाए वह कम है, इसलिए वो भी बधाई और धन्यवाद के बहुत बड़े पात्र हैं। और गुरुजी प्रोफेसर टी मोहन सिंह जी ने हमारी अध्यक्षता की और इनके गरिमामय उपस्थिति में जो है हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।